कुरुक्षेत्र हरियाणा की तहसील थानेसर के गांव समानी से चौपाल चर्चा में आपका स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत में गांव समानी की जानकारी आपके लिए। हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र जिले की थानेसर तहसील का गांव समानी जिला मुख्यालय कुरुक्षेत्र से पूर्व की ओर 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तहसील थानेसर से गांव की दूरी 11 किलोमीटर है। राज्य राजधानी चंडीगढ़ से 106 किलोमीटर दूरी पर स्थित है गांव समानी। समानी गांव के दक्षिण की ओर नीलोखेरी तहसील, पश्चिम की ओर थानेसर, पूर्व की ओर लड़ावा तहसील और इंदरी तहसील है। समानी गांव जिला कुरुक्षेत्र और करनाल की सीमा पर स्थित है। समानी गांव की स्थानीय भाषा हिंदी है। समानी गांव की कुल जनसंख्या 1235 है और घरों की संख्या 247 है। महिला जनसंख्या 47.1% है। ग्राम साक्षरता दर 66.1% है और महिला साक्षरता दर 27.6% है। ग्रामीणों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। समानी गांव में केंद्रीय और राज्य सरकार ग्रामीणों की स्थिति सुधारने के लिए काम कर रही है। समानी के ग्रामीणों की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकारी प्रयासों से समानी आकर्षक और समृद्ध बना है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज हम बात करेंगे फसल अवशेष प्रबंधन की, और इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं हमारे साथ हरियाणा के उपमंडलीय कृषि अधिकारी सुरेश कुमार, हरियाणा के खंड कृषि अधिकारी विनोद कुमार, पादप रोग वैज्ञानिक डॉक्टर J.N. भाटिया, साथ ही पूसा संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर J.B.S. डबास और हमारे समानी गांव के ग्रामीण जन। तो आइए शुरुआत करते हैं चौपाल चर्चा की। समानी एक ऐसा गांव है जो कि बहुत ही प्रगतिशील गांव है। इस गांव की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि यहाँ पे लोगों ने जो पंचायत को चुना है वो उसमें कोई चुनाव नहीं हुआ, बल्कि सर्वसम्मति से गाँव वालों ने पूरी पंचायत को चुना है। और ये एक ऐसी खासियत इस गांव की जो बहुत ही कम गांव में मिलती है, और यही कारण है कि इस गांव का अगर हम देखें तो इसकी सकल सूरत अन्य गांव से कहीं काफ़ी अलग है और विकास की यहां दूर से दिखाई देती है कि ये गांव विकास के प्रगति पथ पर चल रहा है। तो आइए आज बात करते हैं इसी गांव के किसानों से, और इसी गांव के किसानों से बात करेंगे तो बात हम यही करेंगे उनकी क्या समस्याएँ हैं, कैसे इस गाँव का विकास किया जा सकता है। अगर मैं ज़िले भर की बात करूं तो समाणी गांव हमारा एक बहुत ही प्रगतिशील गांव है और लगभग 700 एकड़ क्षेत्रफल में यहां खेती की जाती है, और मुख्यतः धान व गेहूं और साथ साथ मक्की और कुछ क्षेत्र गन्ने के तहत भी इस गांव में बोया जाता है। मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूं कि एक इस बार नई स्कीम हमारी शुरू हुई है इन सीटू क्रॉप रेजिडू मैनेजमेंट, यानी कि जो खेत में फसल अवशेष निकलते हैं उनको खेत के अंदर ही मैनेज करके खेत में ही वापस दबाना। आप लोगों को पता है कि इस ज़िले में जो फसल चक्र है वो धान और गेहूँ है, और इन दोनों ही फसलों में अलग अलग सीज़न में लगभग 1,20,000 हेक्टेयर क्षेत्र में ये फसलें होती हैं। इस वजह से जो फसल अवशेष हैं वो भी बहुत बड़ी मात्रा में इन दोनों ही फसलों से निकलते हैं, और इन फसल अवशेषों को का प्रबंधन हमेशा ही चुनौतीपूर्ण रहा है, क्योंकि हमारे ज़िले में छोटे किसान जिनकी ज़मीन जो है 2 एकड़ 3 एकड़ 4 एकड़ है उनकी संख्या ज़्यादा है। लगभग 70% किसान ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन 5 एकड़ से कम है, और यही एक कारण है कि जो मशीनें हैं जो फसल अवशेष को प्रबंधन के लिए जो मशीनें चाहिए वो महंगी हैं और छोटे किसान उनको खरीद नहीं पाते हैं, और यही एक कारण रहा है कि कई बार मजबूर में किसान खेतों में आग लगाते हैं फसल अवशेषों में। और पिछले इसके नुकसान दो तरह से हैं, जो ज़मीन में जो हम आग लगाते हैं फसल अवशेषों में, एक तो जो धुआं आसमान में जाता है वो ज़मीन से ऊपर नुकसान होते हैं, वातावरण दूषित होता है और कई तरह के एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं वो पर्यावरण को नुकसान करते हैं। एक होता है ज़मीन के अंदर, आग लगाने से ज़मीन के अंदर हमारे मित्र कीट मर जाते हैं, ज़मीन का स्वास्थ्य खराब होता है, सबसे बड़ी बात यह है। वेस्टेज फसल का जलाने का मजबूरी है, क्योंकि उसके बाद जो नेक्स्ट क्रॉप सो करना है ना तो वो नहीं हो पाता। अगर सरकार का इसके लिए इंतज़ाम होगा तो किसान करेगा, ज़रूर करेगा, क्योंकि उसको नेक्स्ट फसल भी लेना होता है। गेहूँ और GD के बीच में क्रॉप आता है, उसमें सब्जी आ जाता है, पोटैटो आता है,
टमाटो आ जाता है, काफ़ी ऐसी छोटे टाइम की फसल जैसे कि धनिया हो जाता है, मूली आ जाता है, वो तभी हो पाता है अगर उसका डिस्चार्ज जो फसल का है ना वो क्लियर हो। देखिए जो आपने बताया था ना अभी कि भाई अगली फसल लेते हैं आलू है और सब्जियां हैं, इसमें 8 जो मशीनें रखी हैं, इसमें एक तो मल्चर रखा गया है, एक रिवर्सिबल प्लो है, उसका काम ही यही है। मल्चर और चॉपर जो है वो फसल अवशेषों को छोटे छोटे टुकड़े, मल्चर और चॉपर है वो फसल अवशेषों को काट के छोटे छोटे टुकड़े करके कर देता है। उसके बाद प्लो है, उसको कितनी डेप्थ पे आप चलाएंगे तो वो नीचे चला जाएगा, तो उसका उस अगर उसके बाद उसको रिवर्सिबल प्लो से पलट देंगे तो आलू के बाद उसमें कोई दिक्कत नहीं कि ये हमने पिछले साल हमने ये डेमो करके देखे हैं। और उनके पास एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स इतने अच्छे ट्रैक्टर्स भी नहीं है छोटे किसान के पास, वो कैसे उसको हल करेगा? जब कस्टमरिंग 100 होंगे तो जिले के अलग अलग हिस्सों में होंगे, वो तीन चार चार गाँव पर एक होगा नज़दीक में, हाँ, और वो मशीनें वहाँ उपलब्ध होंगी, इसीलिए है कि फार्मर खरीद नहीं पाते तो सेंटर पे अवेलेबल होंगी, जिस तरह की आवश्यकता होगी वैसी मशीनें वहाँ रखी जाएंगी। किसान हित की जानकारी के साथ फिर हाजिर होते हैं, अभी समय है कुछ अन्य कार्यक्रमों की जानकारी का। गांव समानी से चौपाल चर्चा अभी जारी है। महिलाओं का होता उत्थान, युवा प्रतिभाओं को मिला सम्मान, सरकारी प्रयासों से आती खुशहाली, खेतों में फैली खुशियों की हरियाली, विकास देता हर प्रश्न का उत्तर, अपनी कहानी कहता पूर्वोत्तर। देखिए पहली किरण, पूर्वोत्तर की कहानियां, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:30 पर। गांव समानी की चौपाल चर्चा में आपका पुनः स्वागत है। फसल अवशेष प्रबंधन कृषि में बहुत महत्वपूर्ण है और फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कृषि यंत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किस प्रकार से महंगे कृषि यंत्रों का सुविधापूर्ण इस्तेमाल किया जाए, इसके लिए कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जाते हैं। क्या है कस्टम हायरिंग सेंटर, आइए जानते हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा राज्य कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित कर रही है। राज्य के सभी जिलों के सभी खंडों में कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। कस्टम हायरिंग सेंटर कम दरों पर कृषि यंत्र किसानों को किराए पर उपलब्ध करवाएंगे। कस्टम हायरिंग सेंटर पर आधुनिक कृषि यंत्र एवं फसल अवशेष प्रबंधन यंत्र उपलब्ध होंगे। कस्टम हायरिंग सेंटर विशिष्ट फसल आधारित, लागत आधारित और क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण पर स्थापित किए जाएंगे। दो प्रकार के कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जा सकते हैं, पहला कृषि यंत्र बैंक, दूसरा हाई प्रोडक्टिव इक्विपमेंट हब। पिछले साल एक योजना शुरू हुई थी समयम के नाम से, सबमिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, उसका उद्देश्य ये था कि भाई कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जाएं, 8-8, 10-10 गांवों पे कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जाएं, जिसमें क्या होता है कि फसल अवशेष प्रबंधन के लिए 8-10 मशीनें हैं, वो उस कस्टम हायरिंग सेंटर पे 8-10 लोग मिलकर सेंटर बनाते हैं, वो सेंटर पे रख दी जाएं, और जिन किसानों को जो मशीन की ज़रूरत पड़े वो किराए पे लेके मशीन ले जाएं, अपना फसल अवशेष प्रबंधन करें और वापस सेंटर पे छोड़ दें। एक ऐसा एक योजना शुरू हुई थी ताकि फसल अवशेषों में आग ना लगाए। इसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट थी 25 लाख रुपये। इसके ऊपर ये मशीनें खरीदने पर 40% अनुदान का प्रोविजन किया गया था पिछली बार, यानी कि 10 लाख रुपये अनुदान। और इसी योजना के तहत पिछली बार 19 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए पूरे जिले में जो अलग अलग हैं। इस साल उसी स्कीम का नाम बदल के इन सीटू क्रॉप रेजिडू मैनेजमेंट रखा गया, और इस बार 100 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। पशु पालता है किसान, तो दूध की कीमत आज से एक महीना पहले सरकार का रेट जो था 45 रुपये पर पॉइंट था, 100 फैट दूध का रेट 45 रुपये था, कैसे पशु पाल पाएगा वो, कहाँ दूध बेचेगा, इस रेट में दूध देगा, पशु नहीं पाल पाएगा। दूध का उत्पादन करते हैं तो लागत अधिक आती है, लाभ नहीं मिल पाता है, ये बात काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन ठीक होने के साथ साथ में सरकार को तो प्रयास करने ही करने हैं इसको ठीक करने के लिए, लेकिन हमारे किसान जो हैं वो अपने स्तर पर इसमें प्रयास किए जा सकते हैं। हरियाणा जो गाँव है, जो प्रदेश है और ख़ासकर कुरुक्षेत्र जो ज़िला है, ये ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर पशुओं की संख्या बहुत अच्छी है,
पशुओं की गुणवत्ता बहुत अच्छी है और यहाँ पे दूध बड़ा अच्छा होता है, लेकिन हम देखते हैं जो पशुओं के हमें सह उत्पाद मिलता है, गोबर मिलता है, वो लगभग 8 महीने तक उसके उपले बनते हैं और जलाया जाता है। इस गोबर के अगर उपले ना बनाएं और ना जलाएं और हर घर में जो भी पशु रख रहा है, 2 से ज़्यादा पशु रख रहा है, सबके घरों में एक बायोगैस प्लांट हो और प्लांट से जो खाद मिलेगा, तो ये आपकी जो उत्पादन लागत है उसको कम करेगा और साथ साथ में खरपतवारों की जो पैदावार उसको कम करेगा। और जो हम समस्या बता रहे हैं अभी कि हमने जो वेस्ट मैनेजमेंट करना पड़ता है, जो हमारा जो स्ट्रा मैनेजमेंट है कि गेहूं या धान काटने के बाद में उसको मिट्टी में मिलाना होता है, तो उसमें अगर ये सलरी जाएगी तो ये उसको जल्दी डिकम्पोज कर देगी, उसको जल्दी सड़ा देगी। तो जो हमारे किसान चाहते हैं कि हमारा खेत फसल कटने के बाद बहुत जल्दी अगली फसल के तैयार हो जाए, तो उसके लिए भी तैयार हो जाएगा और साथ साथ में जो हमारी मिट्टी है उसकी गुणवत्ता भी अच्छी बनी रहेगी। तो अगर जैसे मशीनें आ गई जी, अगर मशीनें 25-25 लाख की सरकार दे रही है, तो 2,000 रुपये किलो इनको पराली को किसानों को दे दो ना, ये पराली मारी बाहर निकल जाए, खड्डा मार के हम अपने आप खुद गे रहे हैं उसके अंदर। ये पेओ में सनशाइन पेपर मिल है, उसके पास काफ़ी बेलर हैं, वो किसान के पास जाता है, उसके खेत में जाके उसकी बेल बनाता है, किसान से ना कुछ लेता है और ना कुछ देता है। वो स्कीम है जी, लेकिन उसको पराली को निकालेगा कौन? वो मशीन गांठ बनाएगी, उसको उठाएगा कौन अंदर से? किसान तो एक आ कल्ला, उसमें बहुत टाइम लगता है, इतना मेरा खेत सूख जाएगा अंदर से। अब की बार उन्होंने उसके वो बंडल बनाए और खेत में छोड़ दिए, हम उनको उठा लेंगे। 20 रोज उनको कोई उठाने ही नहीं आया। 20 रोज ये बताओ कि किसान कैसे इंतज़ार करेगा उस खेत का जिसमें वो बंडल बने पड़े हैं। इसके लिए जो सरकार की तरफ से 100 कृषि यंत्र बैंक खोले जा रहे हैं, उनमें बेलर का भी देने का प्रावधान है। तो अगर उसमें किसान इंटरेस्टेड हो बेलर लेने में, तो इसका समाधान बहुत जल्दी हो जाएगा। फसल अवशेष प्रबंधन वाली है ना, इसमें थोड़ा सा आपको जो है जो पॉजिटिव एटीट्यूड लेना पड़ेगा एक तरह से, मतलब जो है, क्योंकि इसमें ये अकेला काम सरकार के नए अधिकारियों का काम नहीं है, क्योंकि इसमें आपका भी फायदा है। इसमें मैं बताऊँ आपको, आज आप देख रहे हो ना, जिस टाइम भी मतलब आग लगती है, एक तरह से क्या हालत होती है दिल्ली में और आपके यहाँ कितनी समस्या होती है। जिमीदार कोई भी सुखी नहीं बेचारा, बाजा दौड़ो ऋण की परी ना कुछ नहीं मिलता। हूँ आप सच्चे भाई, यूँ कर लो, यूँ करें किस तरह बता, क्या करा, पैसा भी चाहिए, बिल ही नहीं उतर रहे, घर आके बिल नहीं भर सकते। विकास योजनाओं की जानकारी के साथ गांव सामानी से चौपाल चर्चा जारी रहेगी, मिलते हैं थोड़ी देर में। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांव समानी की चौपाल चर्चा में पुनः आपका स्वागत है। किसान भाई किस प्रकार से कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित कर सकते हैं, पात्रता और अनुदान की जानकारी आपके लिए। एक कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने के लिए उसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो 10 लाख से 75 लाख रुपए है, 10 लाख से 75 लाख रुपए, यानी कि, और उसके ऊपर इस 10 लाख से 75 लाख रुपए में आप 25 लाख भी खर्च कर सकते हैं, 40 भी कर सकते हैं, 60 भी कर सकते हैं। इसमें 8 तरह की मशीन है फसल अवशेष प्रबंधन के लिए, वो मशीन खरीदने पर तो 80% सब्सिडी है। इसके अलावा अगर दूसरी मशीन कोई खरीदना चाहता है, ट्रैक्टर या कंबाइन, उस पर 40%। तो इसके लिए हमारे पास एप्लीकेशन बहुत आ रही हैं। दूसरा है इंडिविजुअल, अगर कोई किसान सोसाइटी नहीं बना सकता, अकेला खरीदना चाहता है, उसके लिए है इंडिविजुअल के लिए 10 लाख रुपए का प्रोविजन है सेंटर स्थापित करने के लिए, 10 लाख पे भी 80% सब्सिडी है। कृषि यंत्र बैंक बनाने के लिए किसानों के समूह, सहकारी समितियां और स्वयं सहायता समूह पात्र होंगे। हाई प्रोडक्टिव इक्विपमेंट हब बनाने के लिए 2 करोड़ से अधिक आय वाले उद्यमियों की पात्रता होगी। कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए हैप्पी सीडर, रोटरी प्लॉ, रीपर बाइडर, स्ट्रॉ बेलर, हे रैक, मल्चर, स्ट्रॉ चॉपर, स्ट्रॉ रीपर, स्ट्रॉ श्रेडर, रिवर्सिबल प्लॉ,
जीरो ड्रिल कंबाइन हार्वेस्टर 50 से 70 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर का चुनाव किया जा सकता है। सेंटर स्थापित करने के लिए किसानों को सरकारी मदद का प्रावधान है। कृषि यंत्र खरीद बिल कृषि कार्यालय में जमा करवाना होगा। कुल लागत का 40% या मद अनुसार अनुदान सोसाइटी या समूह के खाते में दे दिया जाएगा। बैंक ऋण की स्थिति में अनुदान राशि बैंक को अदा कर दी जाएगी। कोई भी किसान इसमें अगर अप्लाई करना चाहता है तो 15 तारीख शाम 5 बजे तक इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिएगा वो बता देंगे। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारा जो धान के अगले सीजन आ रही है उससे पहले पहले वो सारे कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित हो जाएं और किसानों को जो मशीनें हैं, जो महंगी मशीनें हैं, वो उन सेंटर्स पर अवेलेबल हों। किसान अपना नॉमिनल चार्ज देके अपनी मशीन किराए पर ले जाएं, फसल अवशेष का प्रबंधन करें और खेतों में आग लगाने की नौबत नहीं आए ताकि ज़मीन का स्वास्थ्य है वो ख़राब ना हो। साहब ने अभी बात की थी, भाई 5-4 जिम्मेदार 10 जिम्मेदार इकट्ठे होके ये सामान जो दिया जा रहा है, अगर ये पंचायत के माध्यम से पूरे एक पंचायत के अंदर एक सामान हो जाए ना तो पूरे गांव को सुविधा मिल जाती है जिसकी। और अगर 2 जिम्मेदार 4 जिम्मेदार इसको लेकर चले जाएंगे तो मतलब वो अपना सिस्टम बनाएंगे उसमें, और पंचायत के माध्यम से पूरे गाँव को सुविधा मिल सकती है उसकी। तो जिम्मेदार के बजाय अगर पंचायत के ये सामान दिया जाए तो बहुत बेहतर रहेगा जी। कभी भी पंचायत स्तर पर अगर हम कोई कस्टमर सेंटर खोलते हैं तो उसकी सफलता के कारण चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और जब किसानों का संगठन होता है तो किसानों का जो संगठन, क्योंकि उनको खुद को उपयोग करना है और वो खुद को उनको मेंटेन करना है, तो किसानों का संगठन होना बहुत ज़रूरी है। और ये संगठन जो किसानों का अगर इनको चलाएगा तो उससे सभी किसानों को पूरा लाभ मिलेगा। और क्योंकि इसमें 8-10 मशीनें हैं और ये सभी बड़ी बड़ी मशीनें हैं और ये सभी उसको कवर कर सकती हैं, और क्योंकि इसमें जो इसका हायरिंग चार्ज है बड़े नॉमिनल रखे गए हैं, तो मुझे लगता है इसका पूरे सभी किसानों को फ़ायदा मिलेगा। जो कस्टम हायरिंग सेंटर्स जो हैं, जो खोले जा रहे हैं सरकार द्वारा हर गांव में, तीन चार गाँव के ऊपर, उसमें सोसाइटी एक्ट के तहत हमें एक सोसाइटी रजिस्टर करानी पड़ती है और उस सोसाइटी में मिनिमम 9 सदस्य होते हैं। 9 सदस्य, उसकी कुछ कंडीशंस हैं स्टार्टिंग की। 9 सदस्य मिनिमम होने चाहिए उसके लिए। एक शेड होना चाहिए, लगभग 500 स्क्वायर यार्ड का एक शेड होना चाहिए ताकि सारी मशीनें वहाँ रखी जा सकें, और उन मशीनों के प्रबंधन हेतु ही वो सोसाइटी को रजिस्टर करते हैं और उसी सोसाइटी को हम सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं। जहाँ तक पंचायत की बात है, मशीनें लेना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। मैं नहीं समझता कि पंचायत उसमें इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके सारी पंचायत को संभाल पाएगी, और पंचायत में सारे किसान नहीं होते। पंचायत में मेंबर्स जो हैं, पंच जो हैं, सरपंच जो हैं, कई बार किसान भी नहीं होता। तो क्योंकि हमने सोसाइटी में उन लोगों को लेना प्रयास किया है जो खुद काश्तकार हैं, खुद किसान हैं, खेती कर रहे हैं, ताकि वो मशीनों के बारे में उनको A to Z डीपली जानकारी हो, ताकि उसकी मेंटेनेंस में जो बाद में खर्चा आता है, जो प्रॉब्लम आती है, किसान खुद उन चीज़ों को मेंटेन करके आगे उसको चला सके। सही। दूसरी बात, हमने प्रयास किया है कि उन जो मशीनों का जो किराया है वो नॉमिनल रखा जाए, बिल्कुल नॉमिनल, कम से कम किराया। और हमने उसको सर्कल को भी 2 या 3 गाँव में सेटअप कर दिया है ताकि किसान को ज़्यादा दूर भी ना जाना पड़े, किसान को नज़दीक से ही मशीन मिल जाए। इसलिए सरकार का जो प्रयास है किसान के हित में है, और जैसे ही प्रैक्टिकली किसान इसको अडॉप्ट करेंगे, मैं समझता हूँ कि वो बहुत आसान हो जाएगा और हर कोई किसान उससे लाभ का प्राप्त कर पाएगा। ये जो कस्टम हायरिंग सेंटर खुल रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी सरकार की शुरुआत है, और ये जो खोलने का जो तरीका निकाला गया है वो भी बहुत ही उमदा है। जिला में लगभग 419 गाँव हैं और 100 कस्टम हायरिंग सेंटर्स हैं, तो हर 3 या 4 गाँव पर एक कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित कर दिया जाएगा, और लगभग 10 मशीनें हर कस्टम हायरिंग सेंटर पे होंगी। और लगभग अगर एक गांव के अगर क्षेत्र भर की मैं बात करूं तो लगभग 300 से 500 हेक्टेयर तक के हमारे गांव हैं, यानी 700 से 1000 एकड़ तक। कुछ गांव अगर मैं ऑप्शनल छोड़ूं तो कुछ ही गांव ऐसे हैं जो बड़े गांव हैं, बाकी हमारे गांव सभी इसी क्षेत्र भर के गाँव हैं। तो वो जो मशीनें हम गाँव स्तर पर देंगे वो 3 या 4 गाँव स्तर पर मशीनें उपलब्ध कराएंगे, और जहाँ तक मैं समझता हूँ वो 3 या 4 गाँव स्तर के ऊपर वो मशीनें जो हमारे पास संख्या है मशीनों की, वो पूर्ण रूप से हर किसी किसान को आसानी से उपलब्ध हो पाएंगे। जो मशीनें बताई हैं अभी हमको, वो इतने टाइम में क्या हमारे उसको तैयार करके दे देंगे अगली फसल के टाइम तक? हमारी एक मशीन है स्टाबेलर, जो धान के अवशेष रह जाते हैं उनको बेल बना देती है, जिससे खेत बिल्कुल साफ हो जाता है अच्छी तरह से। और एक है हमारी हैप्पी सीडर, उसमें हम कंबाइन से कटे हुए जो
अवशेष रह जाते हैं उसमें हम गेहूं की बिजाई अच्छी प्रकार से कर सकते हैं खड़े हुए फानों में। एक हमारा रिवर्सिबल प्लो जिसको हम पलटू हल कहते हैं, अगर हम उसको यूज़ करें उसका प्रयोग करेंगे तो अच्छी तरह से गहराई से जुताई करेगा और मिट्टी को पलट देगा, जिसमें जो अवशेष हैं वो उसके नीचे दब जाएंगे और कंपोस्ट खाद के रूप में उसका प्रयोग कर सकते हैं। पराली है धान की, इसको जलाने से बहुत ज़्यादा नुकसान है। नंबर एक पॉल्यूशन होता है, नंबर दो कई रोड पे धुआं आने की वजह से एक्सीडेंट होते हैं जिसमें नजायज जाने चली जाती हैं, बेकसूर लोग मारे जाते हैं। मेरा यही सबसे प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि भाई पराली मत जलाएं, इसको खेत में ही दबाएं, पानी में दबा के गलाया जाए इसको, ताकि जो है इसका खाद भी लगेगा, कीट जो जीवाणु होते हैं ज़मीन के अंदर फसल को बढ़ाने के लिए, वो अगर वो जलाने से ख़त्म हो जाते हैं, वो ख़त्म नहीं होंगे तो पैदावार प्रोडक्शन अपने आप ही बढ़ेगी। समस्या तो है लेकिन इसका समाधान भी अब आ गया है जो कि हमारे फायदे के लिए होगा। इसमें वैसे तो दिक्कत बहुत आती है खेत तैयार करने में आगे, अगर हमारे को पूरी सहूलियत मिल जाए इसको ख़त्म करने के लिए, हम इसको बिल्कुल भी नहीं जलाएंगे। और जब गांव का विकास होता है तो उसमें गांव के लोगों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रहती है, और साथ ही साथ में जो ज़िले के अधिकारी होते हैं, कृषि विभाग के हैं, पशुपालन विभाग के हैं या जो पंचायत के हैं, उनका भी रोल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सरकार की बहुत सारी योजनाएँ गाँव के विकास के लिए बनती हैं, और जब ये योजना को सही तरह से लागू किया जाता है तो गांव का चौमुखी विकास होता है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण विकास योजनाओं की जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, अगले अंक में आपसे नए गांव में नई जानकारी के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।